दोस्तों आज हम देखेंगे एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का आर्म्स रेश एंड डिजार्ममेंट का पेपर। यह 85 मार्क्स का पूछा गया था, तो शुरू करते हैं आज का पेपर। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, प्रथम हेग सम्मेलन कब हुआ था, द्वितीय हेग सम्मेलन कब हुआ था, कौन से देशों ने एनपीटी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, सीटीबीटी संधि अस्तित्व में कब आई, प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ। अब हम देखेंगे सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संक्षेप में निःशस्त्रीकरण की शर्तों का वर्णन कीजिए। निःशस्त्रीकरण प्रस्तावना के बहुत रासायनिक हथियारों का मूल्यांकन कीजिए। संक्षेप में परमाणु अप्रसार संधि के अनुच्छेदों की व्याख्या कीजिए। संक्षेप में हथियार व्यापार प्रतिबंध की व्याख्या कीजिए। रूस और अमेरिका की शस्त्र होड़ की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप के आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीडियो को आप यूज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर भी आप नोट कर सकते हैं। 1945 के बाद निःशस्त्रीकरण वार्ता की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 1990 से लेकर अब तक की शस्त्र नियंत्रण संधि में वार्ताओं का सविस्तार से समीक्षा कीजिए। वास्तव में निःशस्त्रीकरण से तात्पर्य युद्ध प्रारंभ के साधनों का क्रमिक हास एवं अंतोत्गत्वा उनका पूर्ण उन्मूलन है। समीक्षा कीजिए शस्त्र नियंत्रण समझौते के मार्ग में क्या बाधाएं हैं, इसके भविष्य की संभावनाओं पर विवेचना कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस के महाशक्तियों के रूप में उद्भव के कारण समझाइए तथा उनके सामरिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। शस्त्र दौड़ से आप क्या समझते हैं, शस्त्र नियंत्रण संवाद की असफलता के कारण क्या है लिखिए। INF संधि दिसंबर 1987 विश्व शांति सम्मेलन की ओर 1945 के बाद से मिलने वाला प्रथम संकेत है। किस प्रकार इस संधि के निःशस्त्रीकरण अथवा शस्त्र नियंत्रण की संभावनाओं में बढ़ोतरी की है समझाइए। किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय शस्त्र व्यापार ने अंतरराष्ट्रीय शांति एवं वातावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, कारणों एवं उदाहरणों को संक्षिप्त समझाइए। अणु अप्रसार यानी सीटीबीटी संधि आणविक युद्ध को रोकने का एक प्रयास है, लिखिए। स्पष्ट कीजिए कि भारत इस संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निःशस्त्रीकरण के विषय में लिए गए उपायों तथा उनकी असफलताओं के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। यहीं से हमारा पेपर समाप्त होता है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक ऐसे डिफेंस के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।